साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से है, जो वो किसी वजह से बैन हो गया है, बंद हो गया है एक बार के लिए। तो अभी कुछ टाइम लगेगा उसको चालू होने में। उसकी वजह से भी आपको मैं जो है फसलों के भाव, जो कि डेली लगभग 9 बजे अपने पेज पर अपडेट होते हैं साथियों, तो मैं आपको जो भावों की अपडेट है वो नहीं दे पाया। बहुत से सैकड़ों साथियों के फ़ोन, सैकड़ों साथियों के मैसेज आए, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि बताने में भी थोड़ा देरी होगी। 2 दिन से मेरा जो है पेज बंद है साथियों, और अभी कुछ दिन लगेंगे, शायद अगले आने वाले सोमवार तक जो है पेज चालू हो जाएगा, और सोमवार के बाद फिर आपको जो है फसलों के भाव प्रॉपर तरीके से बताए जाएंगे। उससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल, ये वाला यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से है जो, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें सारे साथी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें साथियों, ताकि अपने जो पेज की कमी है वो अपने को नहीं खले। अगर इधर अच्छे व्यू आएंगे, अच्छा सब कुछ आएगा, तो फिर अपने यहाँ पे वीडियो रोज बनाया करेंगे साथियों। तो आज अपने फसलों के भाव पे चर्चा करेंगे, मुख्यतः नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें साथियों सरसों की, तो देखिए सरसों के सभी लोग कह रहे थे कि दीपावली के ऊपर भाव बढ़ेगा दीपावली तक, लेकिन आखिर जाते जाते बढ़ना तो नहीं था, भाव ने पूरा नहीं बढ़ा, लेकिन जो जगह छोड़ के गई थी सरसों, जो भाव था सरसों का, जो ऊपर के भाव में सरसों बिकी थी, बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ तक सरसों पहुँचेगी, लेकिन दीपावली बिल्कुल सर पे है। और आज धनतेरस है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो उसकी भी, और आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आज धनतेरस तक भी अभी तक सरसों ने जो वो स्पॉट जो है जो छोड़ा था, वहाँ तक भाव जो है नहीं पहुँचा साथियों। उसका मुख्य कारण यही है साथियों कि तेल के अन्य सोर्स जैसे सोयाबीन, मूंगफली और बाकी दबाव इतने हैं सरसों के ऊपर, सरकार पूरा कोशिश कर रही है अपना कंट्रोल, पूरी मॉनिटरिंग के अंदर है सरकार के सरसों, और केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सरसों के भाव को जो है नियंत्रण में रखा जाए। उसकी वजह से सरसों के जो भाव है उसके अंदर कोई ज़्यादा इतनी बढ़ोतरी नहीं है साथियों। हालांकि पिछले एक दो दिन अच्छा थोड़ा सा रुझान देखने को मिला था, लेकिन अभी सरसों के भाव जो है लगभग एक सप्ताह से या मान लो 10 दिन से कोई खास ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, धीरे धीरे बढ़ने की आगे उनकी उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जो बीजान का समय है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो उसके अंदर भी ज़्यादा बीज की अब खपत नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर भी गेम नहीं लग रहा। बाकी आने वाले समय के अंदर अपने को और पिक्चर दीपावली के बाद साफ हो जाएगी साथियों। बात करें नरमे की, तो नरमे के अंदर आप विशेष ध्यान दें साथियों, नरमे के अंदर पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरी फुल तेजी है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों, कुछ मंडियों के अंदर बड़े साजिशन तरीके से, हालांकि आज हम लोगों ने हमारी मंडी विजयनगर के अंदर विरोध भी किया है, कल अनूपगढ़ के अंदर भी हम लोगों ने विरोध किया था, बड़े साजिशन तरीके से नरमे के भाव को कंट्रोल किया जा रहा है कुछ व्यापारियों के द्वारा, जो कि बड़ी दुख की बात है साथियों। किसान की 6 महीने की वो फसल होती है और उसको इस तरह से तोड़ना मरोड़ना की बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये आपसी संबंधों के लिए, किसान और व्यापारियों के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है और कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि नरमे के अंदर तेजी है। अब गोलूवाला मंडी के अंदर ले लो, या मान लो हनुमानगढ़ के अंदर नरमा 94,000-94,500 बिका है, फिर अगर कुछ मंडियों के अंदर नरमा 88,000 या 89,000 बिकता है, तो सच में ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि एक क्विंटल के पीछे 500-600 का बट्टा बहुत ज्यादा होता है साथियों। अगर अपने बात करें 50-100 रुपए की, तो नरमे की क्वालिटी पे अपने बात कर सकते हैं, 200 रुपए तक बात कर सकते हैं क्वालिटी की, लेकिन 500-600 रुपए का क्विंटल का जो बट्टा है उसका जो सच में बड़ा एक दुख है किसानों को, और जल्दी किसान कम्युनिटी को इसके लिए एक होके और जो आगे कदम है वो भी साथियों उठाने पड़ेंगे। नरमे के अंदर तेजी है साथियों, नरमे के अंदर तेजी रहेगी। आज धौलपुर के अंदर 9,800 रुपए का सौदा हुआ बता रहे हैं नरमे का, और भी मंडियों के कई मंडियों को नरमा जो है 9,500 को वो टच कर रहा है साथियों, और आने वाले दिनों के अंदर नरमा जो है वो 10,000 का आंकड़ा जो है उसको कहीं भी छू सकता है। हालांकि आज एक दो मैसेज बाहर के स्टेटों के आए थे कि नरमा जो है 10,000 से भी ऊपर बिका है साथियों, लेकिन उस बात की अपने पुष्टि नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अपने पास उसका कोई सबूत नहीं है। जैसे ही उसकी कोई पर्ची या स्लिप आएगी तो साथियों अपने उसकी पुष्टि जरूर करेंगे। नरमे के अंदर तेजी है साथियों, बहुत से साथियों के फोन आए थे, दोबारा बता दूं नरमा तेज होगा, नरमे की फसल कमजोर थी इस बार, और अभी आज की और जो पिछला कल गया है उसकी बात करें
तो साथियों कोई बहुत ज्यादा नरमा मार्केट के अंदर नहीं आया, क्योंकि अभी किसान भी इस चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरमे के अंदर तेजी आएगी। और ये जो रुकावटें जो एक दो दिन बीच में आती है, जैसे मान लो 93-94 का आंकड़ा भी दो दिन से चल रहा है, चलो किसी मंडी के व्यापारियों ने कोई साजिश कर ली वो अलग बात है, लेकिन अमूमन अगर अंतर्राष्ट्रीय भाव भी देखें तो 94-95 रुपये रेट नरमे का है, लेकिन दो दिन से ये भाव रुका हुआ है। उसके पीछे कारण यही हो सकता है कि एक बार किसान को भ्रमित करके कि कहीं भाव टूट नहीं जाए, उस वजह से किसान को जो है नरमा लाने के लिए मजबूर कहीं ना कहीं किया जा रहा हो। साथियों तो नरमे के अंदर तेजी है, साथियों बड़ी उम्मीद है नरमे के अंदर तेजी बने रहेगी। आज के नरमे के भाव कुछ मंडियों के आपको बताता हूं। गोलूवाला के अंदर नरमा 9,410 रुपये बिका है आज। अनूपगढ़ के अंदर भी लगभग यही रेट रहा है। पीलीबंगा के अंदर नरमा 9,250 रुपये बिका ऊपर। विजयनगर के अंदर नरमा की सिर्फ एक या दो डेरी जो 9,194 रुपये बिकी है, और ये तब की बात है जब किसान इकट्ठे होकर वहां मौके बोली पे पहुंचे थे और विरोध किया था जाके कि ये जो नरमे का भाव है ये कम है। साथियों गंगानगर की बात करूं तो 9,390 रुपये भाव रहा है। साथियों रावतसर की बात करूं तो 9,405 रुपये भाव रहा है साथियों ऊपर का। और सिरसा की बात करूं तो 9,157 रुपये। और नोहर के अंदर देखिए 8,958 रुपये सिर्फ भाव रहा है। तो आपस में मंडियों का जो डिफरेंस है ये बड़ा दुखदायी है और बड़ी दुख की बात है, इसके लिए किसानों को हमें जागना पड़ेगा। साथियों बात करें ग्वार की, साथियों तो ग्वार के अंदर लगातार सभी एक्सपर्ट भी कह रहे थे, सभी लोग कह रहे थे, मैंने भी मेरी पिछली वीडियो में बोला था कि ग्वार के अंदर तेजी आनी चाहिए। अब ग्वार को भी एक बार रोक लिया गया है, वही भाव है। ग्वार गम का भी आज भाव डाउन बताया जा रहा है जो वायदा के अंदर, तो ग्वार के अंदर भी एक बार जो है भाव रुके हैं ग्वार के। अभी क्यों रुके हैं ये तो आने वाले एक दो दिन के बाद, क्योंकि अभी 3-4 छुट्टी है साथियों आगे, उसके बाद अपने को जो स्थिति वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन ग्वार रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ग्वार का तेज होना बनता है, उसका एक कारण ये है साथियों, क्योंकि ग्वार की एक तो जो हालिया फसल है, जो अब की फसल है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जो पीछे ग्वार है वो भी काफी कम है, कोई इतना ज्यादा ग्वार का कोई बड़ी फसल नहीं है। सभी मंडियों के रोज इनपुट्स आते हैं, जो रोज आंकड़े आते हैं, तो ग्वार के अंदर कोई इतनी बड़ी बहुत ज्यादा कोई तेजी जो है साथियों, जो आवक जो है साथियों वो अभी नहीं आ रही है। तो हो सकता है किसी साजिश के तहत या किसी प्रोपगंडा के तहत इसको एक बार इसके भाव को रोका गया हो, वो बहुत जल्दी अपने सामने आ जाएगा साथियों। जैसे ही अपडेट अगली आपको देंगे, तब तक शायद पेज भी चालू हो जाएगा, तो जरूर आपको क्लियर करेंगे। बहुत से मित्रों के फोन आए कपास के लिए, क्योंकि कपास बहुत कम लोगों ने बिजान की थी, कपास के लिए काफी साथियों के फोन है। कपास के साथियों के लिए बता दूं कि कपास के भाव के अंदर भी तेजी आएगी, बिल्कुल आएगी, और तेजी आ रही है साथियों। मैं एक दो मंडियों के भाव बताता हूं। विजयनगर के अंदर आज 7,800 रुपए बिकी है कपास। सिरसा के अंदर आज 7,900 रुपए कपास बिकी है। नोहर के अंदर 8,181 रुपए आज कपास बिकी है। तो 6,500 से चलकर कपास जो 8,181 तक पहुंची है, तो कपास के अंदर बिल्कुल तेजी है, और आने वाले दिनों के अंदर कपास के अंदर भी तेजी आएगी। बीटी कॉटन में तेजी है तो कपास के अंदर भी तेजी साथियों है। दोबारा आपसे विनम्र निवेदन कर दूं मैं साथियों, मेरा YouTube चैनल किसान पुत्र राजा हेयर नाम के है, नाम से है, किसान राजा हेयर के नाम से है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों, ताकि आपको भावों की जानकारी है जो कुछ दिनों तक यहीं देते रहेंगे साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।